हेलो एवरीवन वेलकम टू अर लाइव ऑनलाइन क्लासेस दिस इज प्रवीण हेयर आज के एमसीक्यू है ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन डैश ग्लैंड एक्चुअली ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो मसल्स पे अपना एक्शन करता है और वो कौन सी तरह की मसल्स हैं दैट इज स्मूथ मसल्स आपको ध्यान में रखना है तीन तरह की ह्यूमन बींग में मसल्स होते हैं एक है स्ट्रेटिड मसल जिनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं डायरेक्टली हमारी बोन से जुड़ी हुई होती हैं दूसरी होती है स्मूथ मसल्स जिन्हें हम नॉन स्ट्रेटिड या फिर हम उनको इन मसल्स भी कहते हैं और थर्ड होती है हमारी कार्डिक मसल्स जो स्टूडेंट ब्रेस्ट रीजन में स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे मिल्क को इजेक्ट करने में भी ये ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है इसलिए इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं दूसरा ये बर्थ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है जो हमारे पेल्विक रीजन की मसल्स होती हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करता है और बेबी को बाहर पुश करता है उसी तरह से जो स्मूथ मसल ब्रेस्ट में प्रेजेंट है वहाँ पे उनके कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू मिल्क को ब्रेस्ट रीजन से बाहर निकालने निपल के थ्रू बाहर निकालने में ये मदद करता है और अगर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ ये सिंथेसाइज होता है कौन किस में ये आगे जो है वो एक तरह से ट्रांसपोर्ट होता है देन वो आपको दोनों में आपको थोड़ा सा डीप बता देती हूँ देखिए हाइपोथेलेमस पिट्री ग्लैंड थाइराइड ग्लैंड एंड पीनिय ग्लैंड एन में कहा गया है कि ये सिंथेसाइज अगर पूछा जाए कि बनता कहाँ है तो आपका आंसर हाइपोथैलेमस होगा कई बार स्टूडेंट्स को पिट्री ग्लैंड करके आ जाते हैं क्योंकि देखो क्लियरली एन में ये लिखा हुआ है कि ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस में बनने के बाद ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पिटुट्री ग्लैंड को और पिट्री ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं एक होती है इंटीरियर पिट्री दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्री तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है हाइपोथैलेमस इसको आगे ट्रांसपोर्ट करता है न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या शब्द कहा मैंने दैट इज न्यूरो हाइप पोफाइसिज और न्यूरोहाइपोफाइसिज स्टूडेंट कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक है न्यूरोहाइपोफाइसिज ये वर्ड भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है ठीक है फंक्शन मैंने आपको बता दिया ऑक्सीटोसिन के साथ-साथ दूसरा हार्मोन दैट इज वासोप्रेसिन जिसको हम एडीएच हार्मोन भी कहते हैं तो वासोप्रेसिन भी ऑक्सीटोसिन के साथ-साथ यहीं पे हाइपोथैलेमस में बनता है और देन न्यूरोहाइपोफाइसिस को ट्रांसपोर्ट हो जाता है ये सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड हैं इंपॉर्टेंट हैं वॉसोप्रेसिन ए डी एच को इसका जो रोल होता है वो ये होता है कि एक्सेसिव वाटर लॉस को रोकता है रीएब्सॉर्बेशन ऑफ वाटर में हेल्प करता है डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन से हमें क्या करता है एक तरह से बचाता है तो ये सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ही लोकेटेड होते हैं बोनी कैप्टी आपके जो आ, ब्रेन है स्कल है उसमें ये लोकेटेड होते हैं और थायराइड ग्लैंड आपके गले के पास होती है थायराइड ग्लैंड की वर्किंग के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है नहीं तो हमें ग्वाइटर डिजीज हो जाती है पीनियल ग्लैंड भी हमारे ब्रेन के अंदर होती है और इसे ट्वेंटी फोर आवर ग्लैंड भी कहते हैं स्लीप अवेक साइकिल को देखती है जब हम सोए होते हैं उस टाइम पे भी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी चीज़ें जो मेनटेन uh, रखती है वो कौन है पीनियल ग्लैंड है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट्यू में थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर